गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज नए ब्लॉग में आपका है स्वागत गाइस। आज तारीख है गाइस 25 अप्रैल और टाइम हो रहा है 8 और मैं अभी घर से निकला हूँ। क्या बताएं, बस ऐसी है थोड़ा सा चेहरा। रोज इस चेहरे को देख देख के आप लोग बोर हो जाते होंगे, है ना। कोई नहीं सर, क्या कर सकते, इस चेहरे के बिना ही तो काम नहीं होता। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बुराड़ी से। और आज दिन भर में क्या काम धंधा होगा, कैसे कैसे होगा, आप लोगों को बताएंगे। बीच बीच में अलग अलग बातें भी करेंगे। और आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलता रहे गाइस। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे वीडियो तो पेज को फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम वीडियो फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ आप लोग फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब एंड फॉलो। मैंने स्टार्ट कर लिया यहाँ से ड्यूटी। अब पहली ड्यूटी आ चुकी है मेरे पास एयरपोर्ट के लिए, तो चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, फिर वहाँ से द्वारका चले जाएंगे। आसपास में पास ही है, टर्मिनल 1 की तरफ है। तो उस ट्रिप में कितना बचने वाला है, क्या मिलने वाला है, आपको बताएंगे सारे। तो आप लोग बने रहें इस ब्लॉग के और डेली ऑल ओवर के रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करें, तभी समझ पाएंगे किस ट्रिप में कितना मिलता है और कितना क्या होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों, मैंने कस्टमर के पिकअप लोकेशन पर जा रहा हूँ। तकरीबन 300 मीटर रह गया, 1 किलोमीटर दूरी से बुकिंग था, तो मैं 700 चला आया हूँ। तो मिलते हैं टर्मिनल 2 पहुँचने के बाद। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ मालवीय नगर। आज जा रहे हैं बाबा का ढाबा पर खाना खाने। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बाबा का ढाबा आने वाला ही है, बस थोड़ा सा दूर। आज देखते हैं टेस्ट लेके बाबा का ढाबा का कैसा टेस्ट है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध ढाबा है और छोटा सा ढाबा है। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूँ लगभग, यही कहीं दिखा रहा है। बाबा का ढाबा पे पहुंच चुका हूँ, अब चलता हूँ खाना खा लेता हूँ, और अगर बाबा के पास रेडी है तो फिर बाकी आगे बताते हैं आपको। आप लोग बाबा से मिलवाते हैं आप लोगों को। कल होगा कुछ खाने का, पराठा कैसे है? आलू का है 150 रुपए का जी। और दूसरा क्या चीज है आलू के बाद दूसरा? चटनी है चार, आलू का बना दो। बाबा जी हमारे बाबा का ढाबा वाले। अम्मा जी हमारी, हमारे अम्मा जी को दिखाइए हमारी। ये मैंने तो लग रही थी बाबा जी की सेवा करने, बर्तन तो धोती हैं अपना, और बाबा जी अपना खाना बनाने में लग रहे थे। आज बनी है, आज का व्यंजन है कढ़ी पकौड़ा और मटर पनीर, चावल रोटी परोठा और चाय। चाय भी बाबा जी बनाते हैं, सब शुद्ध देसी तरीके से। देसी तरीके देखिए, पकौड़े इनके शानदार पकौड़े, एकदम सुनहरे रंग के, एकदम गोंडल गोंडल, देख के दिल गोंडल गोंडल हो गया। बाबा जी आ गए हैं, अपना जुट गए मैदान में। देखने में सब समझते किसी ड्रामा के, ड्रामा के मीडिया वाले से ही पूछते हैं ना। वो तो वो मीडिया वाले पता क्या करते हैं,
दोस्तों मैं बाबा का ढाबा पे खाना खा चुका हूँ। अब यहाँ से एक ड्यूटी बजी है मेरे को अपना क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन के लिए कालिंदी कुंज। तो चलते हैं कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन। बाबा का ढाबा खाना अभी बहुत मस्त था और बहुत ही टेस्टी था। बाबा वाक्य में वायरल जो हुआ इसी वजह से हुआ बाबा। और आज कहीं ना कहीं एक तरह से बाबा का मार्केट में क्रेज बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे के अपडेट आपको मैं देता रहूँगा, आप वीडियो में एंड तक बने रहे प्लीज़, नहीं तो जानकारी जाएगी छूट और आप जाएंगे भूल कि हम क्या क्या दिखा रहे थे। तो चलिए आज मालवीय नगर अभी मैं पहुंच गया था और आपको मैं बता दूं इससे पहले कि मैं बुराड़ी से जो ट्रिप लेके गया उसमें 34 किलोमीटर में 350 रुपये दिए ओवर ने। यह हाल है ओवर का, ठीक है ओवरगो की राइड है दिल्ली में सबसे फेमस है। अगर आर्टिका ले लो डीआर ले लो कुछ भी ले लो आपको गाड़ी है काम होगा तो सिर्फ ओवर गो का ही ड्यूटी बजेगी मिनी गाड़ी का, ठीक है। अब उसके बाद मैं वहाँ से गया तो उस कस्टमर से उसने ही बोला कि भैया मुझे छोड़ दोगे मुझे अर्जुनगढ़ जाना है। मैंने कहा हाँ छोड़ देंगे। मैंने ओवर का फेयर दिखाया उसको 580 रुपये। मैंने कहा ठीक है। एक सेकंड कस्टमर का फोन आ गया जरा बात करो क्या करें। हेलो हेलो हाँ जी सर, सर बस 4 मिनट दिखा रहा है आपके लोकेशन में 3 से 4 मिनट आ रहा सर 3 से 4 मिनट। तो दोस्तों कस्टमर से बात हो गई है बस जा ही रहा हूँ लोकेशन पे। बाकी मस्त था भाई बाबा का ढाबा जो भी कहा जाए स्वाद है खाने में। मैंने पराठा खाया बहुत टेस्टी पराठा था, फिर राजमा चावल खाया 50 रुपये का हाफ 90 का फुल। टेस्ट तो है बाबा बाबा रहने वाले आजमगढ़ के हैं और बहुत ही मस्त उनका सिस्टम है। छोटा सा खोखा लेकिन वही कहते हैं ना जिसकी नाम की पॉपुलरिटी मिल जाती है ना तो उसके औलाद बे औलाद वो हो जाते हैं। तो वो वाली बात है मतलब उन्होंने उनसे जब मैं बात किया तो आज बाबा की वजह से आज उनके औलाद घर में बैठे खा रहे हैं। ये आ रहे यार ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम पॉपुलरिटी मिली है धन दौलत मिला शोहरत मिला सब कुछ मिला बाबा को अच्छी बात है। चलिए दोस्तों चलते कस्टमर का पिकअप। आपको जो लास्ट अपडेट मैंने दिया था आपको मालवीय नगर से दिया था, मालवीय नगर से जो मालवीय नगर से मुझे जाना था कालिंदी कुंज, उस कस्टमर ने ऐसा बेवकूफ कस्टमर था कि एक गाड़ी को एक मतलब आदमी को जाना था दो दो गाड़ी बुक कर ली थी। मैं पहले पहुंच गया मेरे पीछे वो भी पहुंच गया, उसकी पहले उसकी बुकिंग थी बाद में मेरी बुकिंग, मैं पहले पहुंच गया तो मेरी कैंसिल कर दी उसने बाद वाली को रोक लिया। ऐसे ऐसे था। फिर वहां से मेरे एक बजी मेरी पहाड़गंज आया वहां छोड़ा, वहां से फिर बजी एक पहाड़गंज चुना मंडी से रेलवे टर्मिनल 3 वहाँ गया, वहाँ से फिर मैं चला गया सीएनजी पंप पे महिपालपुर सीएनजी भरवाने, वहाँ भरवाने के बाद क्या हुआ फिर वहीं से खड़े खड़े एक ड्यूटी बजी जनकपुरी की पंप के बगल में ही रिहलसन रंग संगरीला या पर रंगलीला कोई होटल है वहीं पे उससे बजी। फिर वहाँ से मैं जनकपुरी गया, जनकपुरी से ड्यूटी बजी अजमेरी गेट बैक साइड में छोड़ दिया मैंने रेलवे स्टेशन, वहीं सो गया कर दो अढ़ाई घंटा 6:30 बजे तक सो रहा था मैं। 6:30 बजे तक सोने के बाद फिर वहाँ से बज गई काफ़ी देर का कुछ खाया मैंने, फिर उसके बाद अपना वहाँ से बजी एक कश्मीर बुराड़ी
बाड़ी लेके आगे बाड़ी से फिर मैं सोचा घर चला जाता, फिर एक ड्यूटी बजी अजमेर गेट की, मैं एक्सेप्ट नहीं किया, फिर दूसरी ड्यूटी बजी, दूसरी कहाँ की ड्यूटी बजी, वहाँ की क्या बोलते हैं अपना सराय रोहिला, वहाँ चला गया। 350 रुपये मिले मुझे, कंपनी ने 370 रुपये कस्टमर से चार्ज किया। उसके बाद वहाँ से खरारा खरारा मेरी गाड़ी के हो गए चार्जर खराब, खराब बोला जाए या फ्यूज उड़ गया पता नहीं, वो तो कल ही पता लगेगा, कल लेट निकलना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से पता लगेगा। फिर वहाँ से खरा खरा मैं कहा, मेरा आज प्लान था नाइट में काम करने का, लेकिन नाइट में कर नहीं पाया, इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, अब चार्जर के बिना तो कर नहीं सकते। फिर लास्ट में मैंने सोचा यार इससे बढ़िया है कि अपना घर ही चल लेते भाई, गो टू होम लगाया मैंने। गो टू होम लगाने के बाद मेरी वहाँ से निकला बाहर, शास्त्री नगर आया, वहाँ आते आते एक ड्यूटी बज गई बुराड़ी अपना जरोदा के लिए, जरोदा के लेके आया, उसमें 189 का बिल बना, मुझे दिया 159। उसके बाद घर आ गया, घर आने के बाद अब गाड़ी पार्क लगा दिया हूँ, उसके बाद अब देखते हैं क्या होगा। रात में अब जा रहा खाना वाना खा सोएंगे, फिर सुबह चार्जर, सबसे पहले चार्जर ठीक कराना, बिना चार्जर की गाड़ी चल नहीं सकती है, ये लोग आप लोग भली बात जानते हैं, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी आप लोग को यही अपडेट था दिन भर के शेड्यूल का। और कोई भाई नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही जाता हूँ हर बार, अर्निंग कितनी हुई है, अर्निंग के मामले में सबको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट आप लोग निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा, आप कमेंट कर देना बताऊंगा। मेरी आज जो काम हुई है भाई, मैं आपको देख करके बता देता हूँ, मेरी जो काम हुई है 2190 रुपये की, आप देख सकते अगर दिख रहा हो तो 2190 रुपये की काम हुई है उबर में ऑनलाइन। और उसके बाद मैंने काम किया 500 रुपये का एक्स्ट्रा, मतलब पर्सनल ड्यूटी 580 रुपये का, जो मैं आपको बताया था जो एयरपोर्ट लेके गया, एयरपोर्ट से मैं अर्जुनगढ़ चला गया उसी कस्टमर को लेकर के, तो 580 रुपये वो, मतलब 2600 का काम किया, 2700 का मैंने आज। और सीएनजी लगभग 2 सिलेंडर लग गई है, मतलब 410 रुपये एक बार भरवाया और 400-450 का और लग गया, इतनी सीएनजी फूक गई। और अपना हो गया है पंखा का वो चार्जर खराब, तो इसकी वजह से दिक्कत आई है। चलिए कोई नहीं, बताते हैं बाकी आपको। नया गाड़ी लेना चाहता है तो भाई मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं नया गाड़ी मत लो के लेकर के इस लाइन में आओ, पुराना गाड़ी से पहले ट्रेनिंग लो, सीखो, समझो। सबसे बड़ा इतना हार्ड वर्किंग है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ है। महेश भाई अपनी वीडियो में गलत नहीं कहते भाई, उनकी वीडियो भी देखता हूँ मैं कई बार, वो कहते भाई आप नए हो ना, कोई भी बंदा को नए हो तो थोड़ा सा लगेगा कि भाई नए में हम ज़्यादा काम कर लेंगे, लेकिन पुराना जब होगे ना तो बॉडी ऐसे टूटती है ना भाई, इतनी थकावट महसूस होगा, इतना थकावट महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अगर एक बार आपने गाड़ी ले ली तो 4 साल के लिए भाई गया, 4 साल तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो लॉस खाओ गाड़ी बेचो, या 4 साल इसमें अपनी ऐसी तैसी कराना पड़ता है। मैंने अच्छे अच्छे ड्राइवर को देखा है रोते हुए, समझ रहे हो ना। तो पहले आप समझो, मतलब दूसरे के काम देख करके आप या मैं किस कोई भी बंदा एकदम से मत आओ मेरे भाई। तो प्लीज आप लोग पहले काम समझिए, देखिए, सीखिए कितना हार्ड वर्किंग है, क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उसके बाद आइए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को फटाफट मिले। और इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतने ही पे एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।